शांत बाईसा नाम की एक माता है जिसका पहला नाम है माई बाईसा और उसकी दो लड़कियां हैं, एक का नाम है एकाईसा और दूसरा का नाम है जिसमाईसा। कहते ये जो शांत बाईसा थी ना, ये इतनी अपने जीवन के ऊपर इतनी दुखी थी कि पहले तो इसका पति मर गया, फिर कुछ दिनों के बाद जो इसकी बड़ी लड़की एक ऐसा थी उसका भी पति मर गया, और कुछ दिनों के बाद जो छोटी लड़की जिसमाईसा थी उसको मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो गए और उसके ससुराल वालों ने उसको ठुकरा कर उसको मायके भेज दिया। अब अगर हम देखें कि एक माता और उसकी दोनों बेटियां घर में बैठी हैं, एक विधवा होकर और एक ससुराल से दुखी होकर इधर आई है, उस माता की कैसी दशा, और ऊपर से पति का भी सहारा नहीं, तो ऐसी दशा में ऐसी दुखी होकर एक बार वो द्वारका की तरफ कुछ यात्रा जा रही थी, तो उसने सोचा मैं तो गरीब हूं, मेरी ये बेटियां भी एक तरह की विधवा हो चुकी हैं, इस संसार में अब रहकर क्या करूं। उसने आत्महत्या करने का, सुसाइड करने का विचार कर लिया। मैं द्वारका के समुद्र में जाकर इन बेटियों को साथ लेकर आत्महत्या कर लेंगे। तो जब वो द्वारका की तरफ चल पड़ती है तो रास्ते में पैठन नगरी लगती है, वहां पर सारंग पंडित जो उनके रिश्ते में है वो उनके घर में जाती है, कहती है चलो अभी मरना तो है ही है, मृत्यु तो मेरी अटल ही है, जाते जाते इसको भी मिल जाती है। जब वो सारंग पंडित को मिलने के लिए पैठन में उसके घर में जाती है तो जाने के बाद सारंग पंडित जी को सारा वृत्तांत बताती है कि ऐसे ऐसे मैं आज इस दोनों लड़कियों के और अपने आप पर दुखी होकर सुसाइड करने के लिए द्वारका जा रही हूं। तो सारंग पंडित जी कहते हैं माता मेरी सिर्फ एक बात मान ले, तेरे को अगर सुसाइड करनी तो कर ले, परंतु जाते समय तेरे को रास्ते में वेरुण नाम के स्थान पर श्री चांद राहुल के दर्शन करके जाना, तेरे को सुसाइड करनी तो कर लेना परंतु उनके दर्शन एक बार कर जाना। तो कहती ठीक है। तो जब पैठन से वेरुण की तरफ जाती है तो भगवान का वहां पर वेरुण इस नगरी में निवास होता है, तो भगवान के दर्शन करने के बाद उसको एक ऐसा आनंद, ऐसा सुख प्राप्त होता है कि सुख प्राप्त होने के बाद भगवान के पास आकर बैठती है और अपना दुख बताने लगती है, जोर जोर से रोने लगती है। तो भगवान उसको कहते हैं माता जी दुख नहीं करना चाहिए, दुख से पाप निष्पन्न होते हैं और पाप से नरकों की तरफ जाना पड़ता है, और आप जिन कार्य के लिए जा रहे थे इसके बाद क्या आप सुखी रहते हैं? कारण ऐसा बोला जाता है कि जो जीवात्मा अपने ऊपर दुखी होकर, कारण कभी कभी इस जीवात्मा को इतना दुख होता है, इतने संकट आते हैं
इतने कष्ट आते हैं कि वो कहता है कि मैंने मर ही जाना है, आज अब मैंने अपने आप को मार ही लेना है। तो भगवान वहां पर शांत भाई साहब को कहते हैं, क्या आप अपने आप को मारने के बाद आगे सुखी रह सकते? शास्त्रों में ऐसा बोला गया है कि जो सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, उसको आगे जाकर भूत की योनि में जाना पड़ता है, और वहां पर यहां पर तो जो दुख है उससे कई गुना ज्यादा दुख भोगना पड़ता है। तो ऐसे भगवान शांत बाईसा को शांत करते हुए कहते हैं, भगवान माता जी दुखी ना हुए, दुखी ना हो, आप हमारे शरण में आए हैं, आप एक परमात्मा की शरण में आए हैं, हम आपको सभी दुखों से मुक्त कर देंगे। तो ऐसा भगवान के द्वारा निरूपण होने के बाद वो माता शांत हो जाती है, और उसके बाद जो उसकी जो छोटी बेटी है जिसका नाम है जसमाइसा, उसको भगवान का चरणामृत पिलाती है, और उसका जो मिर्गी के दौरे हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं, और एकाइसा जो है वो भी भगवान के सानिध्य में रहकर बहुत खुश होती है। कारण भगवान का सानिध्य ही ऐसा है, जिसको प्राप्त हो जाए उसको तो इस जग में बाकी की संसार की सब जो भोग विलास है वो तो फीके ही लगने लगे। तो ऐसे करते करते जब माता और उसकी दोनों बेटियां भगवान के सानिध्य में रहने लगती हैं, तो एक दिन भगवान शांत बाईसा को कहते हैं कि ये जो तुम्हारी जो छोटी लड़की जसमाइसा है, इसको ससुराल में भेज दो। वो कहती है, भगवान जी इसके ससुराल वाले इसको पसंद नहीं करते। भगवान कहते, हम आपको आज्ञा दे रहे हैं, जब ये जसमाइसा उनके घर में जाएगी, वो ये वहां पर जाकर देखेगी कि भगवान की उसके जो ससुराल वाले हैं इसका इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे कब हमारी बहुरानी आए और हमारे घर को संभाले। तो शांत बाईसा एकाइसा को कहती है कि जा इसको ससुराल छोड़ा। वो कहती है, नहीं तू जा। माता को कहती, तू जा, मैं भगवान का सानिध्य नहीं छोड़ूंगी, मैं मेरे को जो सुख यहां पर मिल रहा है उसको मैं कैसे छोड़ूं। तो भगवान एकाइसा को कहते हैं कि जो सुख तुम्हारी माता को यहां पर मिलेगा वही सुख तुम्हारे को वहां पर मिलेगा। तो जब एकाइसा जसमाइसा को छोड़ने के लिए उसके ससुराल जाती है, ससुराल में जाने के बाद जैसे भगवान ने बोला वैसे ही होता है। इधर जैसे उसकी माता शांत बाईसा को सुख मिलता है, वैसा ही सुख एकाइसा को वहां पर मिल रहा है, और वह सुख के जोश में अपने आप को भूल गई। उसका ऐसा जोश देखकर जसमाइसा के ससुराल वाले कहते लगता है इसकी जो मिर्गी का दौरा है जो जसमाइसा को पड़ता था वह लगता एकाइसा को पड़ने लगा। परंतु वो ये नहीं जानते कि भगवान का सुख इसको प्राप्त हुआ है, सुख इसको मिला है। ये ऐसे भगवान अंतःकरण से दूर से चिंतन करके इस जीवात्मा को ऐसे सुख प्रदान करते हैं। उसके बाद दृष्टांत है शब्द वेदिया रस का। जैसे मैंने अभी बताया कि हम ऐसे कटु शब्दों का उपयोग करते हैं कि जिसके कारण दूसरे प्राणी का मन दुखता है, परंतु जब भगवान अपनी अमृत वाणी से किसी जीवात्मा से वार्तालाप करते हैं, संभाषण करते हैं, तो उस जीवात्मा को सुख प्राप्त होता है।
जैसे एक छोटी सी लीला है, भगवान का निवास जब डोमेग्राम के परिसर में होता है, वहां पर एक जगह भगवान आसनस्थ बैठे हुए, एक ब्राह्मण भगवान के दर्शन के लिए आता है, तो आने के बाद भगवान जब उसको दूर से देखते हैं और कहते हैं, बड़े ही मधुर शब्द से कहते हैं, या पंचगंगा हो या, वो इतना सुखी हो जाता है, इतना खुश हो जाता है। कारण उसकी जो पांचों जो बेटियां होती हैं वो विधवा होती हैं, लोग उसको पंचरंडा कहते हैं, पंचरंडा, परंतु भगवान जब उसको पंचगंगा कहकर पुकारते हैं तो इतना सुखी हो जाता है। वो कहता, भगवान जी निवाला सुखी हो गया, आज मेरे को आपके दर्शन का लाभ प्राप्त हो गया है। ऐसी भगवान की अमृत वाणी में, शब्द में इतना प्रभाव है। वही इस दृष्टांत के द्वारा भगवान हमें समझा रहे हैं कि शब्द द्वारा देने आते, जैसा शब्द वेदिया रस है, कि शब्द के द्वारा भी भगवान इस जीवात्मा को सुख फल देते हैं। कहते भगवान का जब निवास पैठन में था, भगवान ने जब बाइसा को प्रेम देने के बाद उसकी जो शिकिन जो चेली होती हंस राजा, वो बाइसा की निंदा करने लग पड़ती है। कारण उसने भगवान का बनने के बाद, भगवान का हो जाने के बाद अपना जो पयोवर्त धर्म है उसका त्याग कर देती है। पयोवर्त धर्म मतलब दुग्धाहार, दूध के ही पकवानों का जो सेवन करते, ऐसा उसने व्रत लिया हुआ। परंतु जब भगवान की बन जाती है तो उस व्रत का त्याग कर देती है। जैसे हम जब नाम लेते हैं, गुरु मंत्र धारण करते हैं, गुरु मंत्र धारण करते समय गुरु हमें कहते हैं कि आपको सप्त व्यसनों का त्याग करना होगा, आपको नॉन वेज, हिंसा, पाप, चोरी, इनका त्याग करना होगा, तभी आप धर्म का आचरण। दृष्टांत के द्वारा भगवान ने बताया कि एक महात्मा जब किसी नगर में झोली लेकर जा रहा है तो रास्ते में वहां पर जो पित्तल, तांबा, ये घड़ने का काम, तैयार होने का काम चल रहा है, तो उसकी झोली में एक ऐसा रस है जो उस शब्द के कारण, जो ठोका ठाकी वहां पर हो रही है, उसके शब्द के शब्दों को सुनकर, वेद कर, वो जो तांबा है या पित्तल है उसको सोना बना रहा है। वैसे ही भगवान कहते हैं, जो पुरुष हमारे अमृत वाणी को सुनकर, कुछ ऐसे पुरुष हैं जो भगवान की अमृत वाणी के द्वारा एक वेद सुख प्राप्त करते हैं। जैसे उन्होंने बताया है, संतोष नाम का जो महात्मा है वेरुल में, भगवान उनको कहते हैं, जब उनकी गुफा में जाते हैं, कहते हैं भगवान उनको, कहते हैं कि आप इस गुफा में रहते हो? कहते रहते हैं जी, सुख संतोष से, बड़े खुशी से रहते हैं। इस नगर में भिक्षा करते हो? करते हैं जी, बड़े खुशी से, और यहीं पर आराम करते, विश्राम करते हैं? करते हैं जी। ऐसे भगवान के शब्द सुनकर उसको एक सुख प्राप्त होता है, एक अलौकिक आनंद प्राप्त होता है, और वो भगवान का ही बन जाता है।
सब अपने जो महात्मा धर्म का त्याग करके भगवान की शरणी में चला जाता है। ऐसे भगवान की जो शब्दों में अमृतवाणी में इतना प्रभाव है, इतना रस है कि ये जीवात्मा अपने संसार को सुख भोगों को छोड़कर भगवान की चरणों में चला जाता है। और इसी के साथ अभी समय भी समाप्त हो चुका है, तो आगे कल हम फिर भगवान के इन्हीं दृष्टांतों का कल फिर चिंतन करेंगे, श्रवण करेंगे। भगवान श्री